तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इनका सक्सेसफुली वीजा आया है, टेम्पररी रेजिडेंसी परमिट आया है। कंट्री का नाम है स्लोवेनिया, जो कि शेंगन कंट्री है, और शेंगन की जो जर्नी है इट इज वेरी डिफिकल्ट है। अभी बच्चे से डिस्कस करेंगे कि इतने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की है और इसके अंदर कितना पेशेंस चाहिए, ये सारे का सारा हमारा डिस्कशन रहेगा। अगर मैं स्लोवेनिया की पिछले 4 या 5 साल का डाटा उठाकर देखता हूँ, जब हमने जो 4 या 5 साल पीछे हमने स्टूडेंट भेजे हैं, उस टाइम इनका 100% रिजल्ट्स रहे हैं, लेकिन इस साल दे आर वेरी रिजिड, दे आर चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग। बच्चे की प्रोफाइल को चेक करते हैं, बच्चे की इंटरव्यू, बच्चे की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लेकिन जो 5 साल पहले का था, दे आर नॉट टेकिंग एनी इंटरव्यू, नथिंग ऑन द बेसिस ऑफ आपके डॉक्यूमेंटों के ऊपर ही वीजा देते थे। इस साल दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो अभी सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर चरणजीत, तो मेरा नाम है जी। ठीक है जी, मैं सबसे पहले ये पूछूंगा आप रहने वाले कहाँ के हैं। सर मैं रहने वाला हूँ। ठीक है जी, तो आपने हमारी जो सर्विसेज ली थी कौन सी कंट्री के लिए ली थी? सर पहले तो एक्चुअली जब मैं क्राउन इमिग्रेशन के पास आया था बठिंडा ऑफिस में, तो पहले मैंने उनको बोला कि मुझे लातविया का प्रोसेस करना है, तो सबसे पहले उन्होंने मेरी लातविया की मतलब ऑफर लेटर अप्लाई किया। ऑफर लेटर अप्लाई करने के बाद एक इंटरव्यू आता है, सर वो तो मेरे से क्लियर नहीं हो पाया था, तो उसकी फीस 15,000 रुपए सारी वेस्ट हो गई। तो सर ने बोला कि एक बार हम दूसरी यूनिवर्सिटी रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में डाल के देख लेते हैं। तो घर वाले कहते हैं कि भी अगर फिर ना इंटरव्यू क्लियर हुआ तो फिर मतलब 15,000 फिर वेस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपसे डिस्कस करके सर ने बताया कि भी हम स्लोवेनिया में डाल सकते हैं, स्लोवेनिया में ऑफर लेटर की फीस नहीं है। तो ऐसे है कि आप थोड़ी सी अपनी एज बताएंगे क्या है? हाँ जी, हाँ जी सर, एज क्या है आपकी सर? सर 27। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? सर बीटेक की हुई है पेट्रोकेमिकल। कितने परसेंटेज हैं? 63%। आपने कोई पीटीआईएस किया था? नहीं सर, मैंने पीटीआईएस तो नहीं किया। आप हमारे साथ जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? सर मुझे 1.5 साल के करीब हो गए। तो ये देखिए, मैं हर एक वीडियो में हर एक चीज में बार बार इम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आपका पेशेंस तो और आपका कंसल्टेंट कितना अच्छा है, कितना कोऑर्डिनेशन आपके साथ करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग द रिजल्ट्स। इस बच्चे ने हमें एंगेज किया और लाटविया में इसकी एप्लीकेशन प्रोसीड की गई, लाटविया से एडमिशन में रिजेक्शन मिली है, इवन बीटेक है 63% अब सिंस पहले वो इंटरव्यू लेते हैं, और बच्चे ने खुद बताया है कि मेरा वहां पे एप्लीकेशन फीस भी वेस्ट हुई। वेस्ट होने के बाद मैं सिचुएशन बच्चे की और पेरेंट्स की समझ सकता हूँ कि उनको लगता है कि शायद हमारा कहीं और होना, और हम अगर अनदर यूनिवर्सिटी में भी लाटविया में या किसी कंट्री में डालते हैं, हमारे फिर भी द्वारा भी पैसे वेस्ट हो सकते हैं। ऐसी ऐसी कंफ्यूजन्स आती है ना, ऐसी फीलिंग्स। हाँ जी जी सर, हाँ। तो आप भी देखिए कि मेरे पास इस बच्चे के लिए नोट है सिंगल लाटविया, और भी बहुत सारे कंट्रीज के ऑप्शन थे, 1.5 साल हमारे साथ चले हुए हो गया है। ऐसे केसेस होते हैं, अगर इनमें पेशेंस हैं दे विल डेफिनेटली रीच एट देयर डेस्टिनेशन। तो सर आपको इंटायर द प्रोसेस कभी ऐसी फीलिंग हुई हो कि हम आपके साथ कोई कोऑपरेट नहीं करते हैं, आफ्टर आपकी रिजेक्शन जब वहां से एडमिशन से आई थी, हम आपके केस के ऊपर तवज्जो नहीं देते हो, हम आपको कोई टाइमली रिप्लाई ना करते, कभी ऐसी कोई फीलिंग आई हो हमारे थ्रू? नहीं नहीं सर, मैम का सर का फोन मतलब जब भी कोई मेल आना या कोई भी ना डॉक्यूमेंट चाहिए तो उनका फोन पहले ही आ जाता था मेरे फोन करने से पहले पहले। बाकी सर ऐसे एक्चुअली जब मैंने अप्लाई कर दिया था, आवाज थोड़ी सी कटकट के आ रही, थोड़ा सा ठीक हो? हाँ क्या करें, जैसे सर बीच में जैसे मेरा एडमिशन आया था, ठीक है, उसके बाद मैंने ना होप छोड़ दी थी एक बार, तो ठीक मैंने है कहा ठीक शायद नहीं आया, तो मैंने पीटी और पीटी करनी स्टार्ट कर दी, है ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, एकदम से मेरा ऑफर लेटर आया और उसमें फीस का था, अभी फीस 30 जुलाई से पहले पहले भरनी है। ठीक है तो मैंने फिर आईएलटीएस पीटी जो भी कर रहा था तो वो मैंने बीच में छोड़ के फिर मैंने फीस पे करी। उसके ठीक है बाद मेरा इंटरव्यू आ गया था सर, 26 अक्टूबर को मेरी फाइल सबमिट हुई थी ठीक है एम्बेसी।
देखिए, तो आपको ये मालूम है कि अभी आपका जो एडमिशन आया था कौन सी यूनिवर्सिटी से वहां पे आया था? यहाँ से स्लोवेनिया से, कैसे सर? स्लोवेनिया से जो आपका एडमिशन आया था, जब आपका एडमिशन रिजेक्ट हो गया था लाटविया से, कौन सी यूनिवर्सिटी से आया था? स्लोवेनिया में सर नोवा गोरिका का आया था, यूनिवर्सिटी ऑफ नोवा गोरिका नोवा गोरिका का आया था। उसकी फीस कितनी थी साल की? सर 3,000 यूरो। 3,000 यूरो की फीस है। नोवा गोरिका में आया था इसका एडमिशन, और 3,000 में साल एक वहां पे ये बैचलर डिग्री करने के लिए जा रहा है बच्चा। तो अभी मैं रियली, आप जब आपने एम्बेसी में कोई इंटरव्यू नहीं होती आपकी जो मास्टर के लिए जाते हैं, ऐसा ही है ना? नहीं, सर मास्टर की मेरी इंटरव्यू हुई थी, इवन 2 बार इंटरव्यू आई। अच्छा, आपकी 2 बार हुई, लेकिन हमारे जितने भी मास्टर के अभी रिजल्ट्स आए हैं कोई भी इंटरव्यू नहीं हुई। तो आपकी मास्टर के 2 टाइम्स इंटरव्यू हुई है। हाँ जी, हाँ जी सर। तो जो इंटरव्यू में गए थे हमने आपको सारे टिप्स प्रोवाइड किए थे, तो हाँ जी, हाँ जी सर, पहले ही आपने तैयार है। वहां पे जो कितने क्वेश्चन पूछते हैं, कितने क्वेश्चन आपको राइट करने पड़ते हैं जो वहां का क्वेश्चन एरिया देता है एम्बेसी वाले? सर 40 क्वेश्चन होते हैं टोटल, 40 क्वेश्चन। उसमें हमारे जो मुझे आया था सर, उसमें तो रिटर्न करने पड़ते थे, और वो जो रिटर्न किए हुए क्वेश्चन थे उसको वो बाद में एम्बेसी ऑफिसर पूछ भी रहे थे, भी वेरीफाई भी कर रहे थे कि इनकी स्टेटमेंट जो लिख रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो मैच कर भी रही है या नहीं। ठीक। तो आप ये बताएंगे, जब आपकी ये बायोमेट्रिक हो गई थी एम्बेसी में, उसके बाद कितना टाइम लगा आपको वीजा मिलने में? कितना टाइम लगा जब आपने फाइल या अपने बायोमेट्रिक एम्बेसी में सबमिट करवाए थे, उसके बाद कितना टाइम लगा इसका, स्लोवेनिया का? तो सर 6 महीने लग गए टोटली, आप 26 अप्रैल मैंने। ड्यूरिंग आपको ड्यूरिंग जे 6 मंथ आप बड़े कंफ्यूज भी हुए होंगे कि यार पता नहीं मेरा क्या होगा। सर बहुत मतलब नेगेटिव थॉट तो आते ही रहते हैं माइंड में, बट ऐसे था कि होप बनी हुई थी कि भी चलो ये आज नहीं तो कल आ जाएगा। जब 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 वो होप थोड़ी सी खत्म होने लगती थी, तब तक कोई मेल आ जाती थी तो दिल को शांति मिल जाती थी कि हाँ शुक्र है भी, मतलब ते हो जाएगा हो जाएगा। अभी अगर और कोई बच्चा स्लोवेनिया में अप्लाई करना चाहता हो, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? जिसने स्लोवेनिया में अप्लाई करना है, क्या टिप्स आप देंगे? जिन्होंने सर चाहे सिल्वेनिया में अप्लाई करना है, एक तो हाँ, चाहे इंटरव्यू को लेकर है, चाहे इंग्लिश को लेकर है, चाहे पेशेंट को लेकर है, किसी भी टॉपिक में आप क्या बताएंगे कि बच्चे क्या फर्दर प्रिकॉशंस लें जिन्होंने स्लोवेनिया जाना है? सर लैक ऑफ नॉलेज, मतलब थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी चाहिए, क्योंकि मैंने मेरे साथ जो जिन बच्चों की एम्बेसी में फाइल सबमिट हुई थी उनमें से 2 बच्चों की रिजेक्शन भी आई, क्योंकि उनको ना अपनी यूनिवर्सिटी का नेम तक नहीं पता था। वेरी ठीक है, एक गुड। तो सर इंग्लिश इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, ज्यादा नहीं कहता, 50 से 60% तो आनी चाहिए। ठीक है, सेकंड इज पेशेंस। वेरी गुड। पेशेंस जब पिछले साल अप्रैल में ही मेरा टोटल मतलब जॉब अप्लाई किया था, अप्रैल में किया था, और ये मई आ चुकी है, 1 साल लग गया पूरा एक साल सोचने में। लगे एडमिशन टू टिल वीजा तक, 1 साल लगा है। और हर हाँ जी, हाँ जी, अभी आपको ये सारे प्रोसेस में ऐसा लगा है कि बस सारा कुछ एजेंट का ही इसमें इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, सर एजेंट का और तो सर हाँ, आपको, और इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका है, स्टूडेंट का है या एजेंट का है? स्टूडेंट का भी है सर एजेंट। आप जैसे, मैं ऐसे कहता हूँ, ठीक है आपको नॉलेज होती है इस चीज की, ठीक है आप में डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताते हो उस चीज में, तो आपके लिए आपकी भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, बाकी सारा रोल तो स्टूडेंट का रहता है, क्योंकि स्टूडेंट ने ही एम्बेसी जाना है, स्टूडेंट ने ही सारा कुछ करना है। तो मैं फिर बताऊं, मैं ये समझता हूं कि जो एजेंट का रोल है 20-30% है, हाँ जी, हाँ जी सर, 70% स्टूडेंट का रोल है किसी भी कंट्री में जाने के, अगर बच्चे ने जाना है। अगर स्टूडेंट को अपनी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मालूम है, जैसे आपने बताया है कि उसको यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मालूम था, उसने कितनी फीस वहां पे ट्रांसफर की है उसके बारे में मालूम नहीं है, आप कौन से प्रोग्राम में जा रहे हैं उसके बारे में मालूम नहीं है, वहां जाकर रहना कहाँ है उसके बारे में बच्चे को मालूम नहीं है, आपको फाइनेंशियली कौन हेल्प कर रहा है उसके बारे में मालूम नहीं है, तो क्या ऐसे बच्चे को वीजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए जिसको ये चीजें नहीं ना सर, मालूम? उसको तो हम वैसे ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगर आप भी वीजा ऑफिसर हो, मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए कि बीइंग यू आर द वीजा ऑफिसर ऑफ एनी एम्बेसी, बच्चा आपके पास भी आता है, आप भी उसको अगर 20-30 क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर आपको भी वो सेटिस्फाई जवाब नहीं देता 20-30 क्वेश्चन में, वो आपको 20% ही रॉन्ग आंसर देता, क्या आप उसको वीजा ग्रांट कर देंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं।
आप, मैं ये कहता हूं कि 5% भी बच्चा गलत, 5-10 क्वेश्चन भी 40 में रॉन्ग करता है, तब भी मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, कुछ तो उसको मालूम है, पता ही कुछ नहीं है फाइल के बारे में, तो हाउ एंड विच एम्बेसी विल गिव द वीजा। तो इन केस, एक और आपसे मैं पूछना चाहूंगा, इन केस अगर कल आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता, आप हमारे साथ बाई चांस रिफ्यूज होता, तो आपकी क्या फीलिंग्स होती टुवर्ड्स हमारे, और फर्दर आप क्या स्टेप लेते कि क्या आप अपना एजेंट भी चेंज करते, या फर्दर आप चाहते कि नहीं इनके थ्रू और कोई ऑप्शन देखूं, तो फीलिंग्स क्या रहती और इसमें कितना नुकसान होता? सर फीस तो सारी चली जाती है पहली बात तो, क्योंकि उन्होंने 15 दिसंबर तक का टाइम दिया था, अगर 15 दिसंबर से पहले पहले वीजा आ जाता तो फीस रिफंड जल्दी, अदरवाइज फीस रिफंडेबल नहीं। ठीक है, दूसरी चीज सर मैं आपके साथ ही कंटिन्यू करता क्योंकि मुझे आपका नेचर बहुत अच्छा लगा था। मैं किसी और कंट्री का जरूर ट्राई करता क्योंकि मेरी और भी कंट्रीज की अच्छी बन रही थी, मतलब किसी और कंट्री का भी अप्लाई हो सकता था मेरा, तो मैं किसी और कंट्री का जरूर ट्राई करता था। तो ओवरऑल व्यू क्या देना चाहेंगे क्राउन इमिग्रेशन के बारे में, कि क्राउन इमिग्रेशन कैसी आपको एजेंसी लगी है, आपने हमारी सर्विस हायर की है, इससे पहले भी आपने किसी ना किसी कंसल्टेंट के ऑफिस में भी गए होंगे, कभी ट्राई भी किया होगा, अगर हमें कंपेयर करते हैं? सर सर्विस बहुत बढ़िया है, जी सारा स्टाफ बहुत अच्छा है, मतलब जी हर टाइम टू टाइम ये बताते हैं हर एक चीज को, डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, ऐसे फाइल को लेके जाना है, इंटरव्यू की प्रेपरेशन और सारा कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा। तो देखो, इनका सक्सेसफुली क्राउन इमिग्रेशन की इन्होंने सर्विस ली है, हमारे साथ टच में थे, और इनको सक्सेसफुली स्लोवेनिया का वीजा आया है, टेम्परेरी रेजिडेंसी परमिट मिला है, और क्राउन इमिग्रेशन के पास नॉट ए सिंगल कंट्री के ऑप्शन है, 100 कंट्रीज के ऑप्शन है, शेंगेन की 27 कंट्रीज हमारी फिंगर्स के ऊपर है। प्रोफाइल देखने के बाद हम सजेस्ट करते हैं कि कहाँ पर बच्चे को अपना प्रोसेस करना चाहिए, ये नहीं है कि बस अपना इंटरेस्ट है ट्राई मरवाओ इनकी बाहर डाल दो, ऐसी हमारी इंटेंशन नहीं है टुवर्ड्स एनी स्टूडेंट। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू सर।